हाथ में दर्द लिए गमों के पन्ने बिछा उन पर अपने जज्बात लिखती हूँ के हाथ में दर्द लिए गमों के पन्ने बिछा उन पर अपने जज्बात लिखती हूँ और जी हाँ मैं वही हूँ जो हर बेवफा शख्स की औकात लिखती हूँ। शुक्रिया। आज की जो मेरी पोयम है ये एक ऐसी ख्याल आया था, काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं कि चाहे वो रिलेशनशिप में हों या शादी में हों या लिव इन रिलेशनशिप, जो भी आप बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कि हम बहुत साल किसी के साथ रहते हैं और फिर वो रिलेशन ब्रेक हो जाता है। तो एक होता है प्यार, एक होती है आदत। तो आदत जो होती है ना वो बहुत कमीनी चीज़ होती है। तो उसी को मैंने बयां करने की कोशिश की है कि जैसे जो लोग जिन डिवोर्स हो जाता है जिन लोगों का, या जो लोग बहुत साल साथ रहने के बाद अलग हो जाते हैं, तो एक औरत जब प्यार करती है और दिल से प्यार करती है ना, तो वो उसे बहुत हद तक निभा सकती है, पर वो तभी ब्रेकडाउन होती है जब वो सारी हदें पार हो जाती हैं। तो ये मैंने उन्हीं औरतों के लिए लिखी है या उन्हीं औरतों की तरफ से लिखी है कि जब वो ब्रेकडाउन हो जाती हैं और वो फाइनली ये मेंटेलिटी बना लेती हैं कि अब मुझे मूव ऑन करना है, कि भैया अब बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा। अभी पोएम बोली थी जैसे आपने वही कि अब हमसे ना हो पाएगा, तो उसी के ऊपर मैंने ये लिखा है। तो आई होप कि इससे लड़के भी समझ पाएंगे कि वो लड़की का प्यार या क्या होता है, एक औरत के दिल में कितना दर्द होता है, वो बयां करने की कोशिश की है। तो वैसे मेरा गला भर के आ रहा है, सॉरी। तो शुरू करती हूँ। जा रही हूँ मैं तुझे छोड़कर अब अपना ख्याल रखना, जा रही हूँ मैं तुझे छोड़कर अब अपना ख्याल रखना, और पबजी में मत लगे रहना पूरा दिन, अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना। शुक्रिया। कि जा रही हूँ मैं तुझे छोड़कर अब अपना ख्याल रखना, और पबजी में मत लगे रहना पूरा दिन, अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना। माना कि थोड़ी ज़िद्दी थी, माना कि थोड़ा गुस्सा था, माना कि थोड़ा ज़िद्दी थी, माना कि थोड़ा गुस्सा था, माना कि थोड़ा नरमी थी, और बात बात पर तुझे समझाने की आदत मेरी डल गई थी। अब इन सब चीज़ों से तू खुद को आज़ाद रखना, और जा रही हूँ तुझे छोड़कर अब तू अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। ना कोई गुस्सा दिलाएगा ना ही कोई बार बार मनाएगा, ना ही कोई गुस्सा दिलाएगा ना ही कोई बार बार मनाएगा, और ना कोई खिचखिच करेगा ना ही तेरा दिमाग खाएगा। अब इन फालतू की बातों से अब तू इन फालतू की बातों को ना याद रखना, और जा रही हूँ तुझे छोड़कर अब अपना ख्याल रखना। ठीक है। और आगे की जो लाइनें हैं, ये जो भी, ये एक रियलिटी है एक्चुअली। आज मैं जो बोल रही हूँ ये एक पोएम नहीं है, ये एक रियलिटी है जो चीज़ों में, मतलब जब हम किसी से प्यार करते हैं तो साथ में जो चीज़ें रेगुलर होती हैं उन चीज़ों को मैंने बयां किया है। कि नींद ना आए, नींद ना आए तुझे तो खुद ही अपने सर को खुजला लेना, कि नींद ना आए तुझे तो खुद ही अपने सर को खुजला लेना, और मॉइस्चराइज़र वहीं अलमारी में है, रोज़ सोने से पहले लगा लेना। कि नींद ना आए तुझे तो खुद ही अपने सर को खुजला लेना, और मॉइस्चराइजर वहीं अलमारी में है, रोज सोने से पहले लगा लेना, और सुनो धूप में बॉडी टैन हो जाती है तुम्हारी, और सुनो धूप में बॉडी टैन हो जाती है तुम्हारी, इसलिए बाहर जाते समय सनस्क्रीन लगाना याद रखना, और जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर बस अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। आगे की लाइनें हैं, और आई होप यहाँ पे जितने भी लड़के हैं वो इसे रिलेट कर पाएंगे, कि हो सके तो रोज नहा लिया करना। शुक्रिया। कि हो सके तो रोज नहा लिया करना, बाहर का खाना मत खाना घर पर भी बना लिया करना, कि हो सके तो रोज नहा लिया करना, बाहर का खाना मत खाना घर पर ही बना लिया करना, और याद आ जाए कभी भूले भटके मेरी, और अगर याद आ जाए कभी भूले भटके मेरी तो सुनो JBL पे जाने के गाने लगा लिया करना। और याद आ जाए कभी भूले भटके मेरी तो JBL पर जाने के गाने चला लिया करना, और करो अगर किसी और लड़की को पसंद तुम, और करो अगर किसी और लड़की को पसंद कभी तो वो मेरी जैसी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना, और जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर अब अपना ख्याल रखना।
और ये लास्ट लाइनें हैं कि कपड़े जब धोने हो उसी दिन भिगोना, वरना बदबू मारने लगते हैं, तीन दिन सड़ जाते हैं। कि कपड़े जब धोने हो तभी भिगोया करना, टाइम से उठना और टाइम से सोया करना। कि कपड़े जब धोने हो उसी दिन भिगोया करना, टाइम से उठना और टाइम से सोया करना, और मिटा देना हमारे लड़ाई और झगड़े सारे, और मिटा देना हमारे लड़ाई और झगड़े सारे, बस हमारी अच्छी यादें ही याद रखना। जा रही हूँ तुझे छोड़कर, बस अपना ख्याल।